हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा रखती हूँ आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो। आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे, तो आप लोग अपनी किताब को खोलकर अपने पास ही रखिए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। आज हम लोग 14 नंबर पेज पढ़ेंगे। आप लोग देखिए, 14 नंबर पेज का जो नया पाठ है उसका नाम है प्यारी बगिया। क्या नाम है? प्यारी बगिया। यह एक कविता है। मैं आप इस कविता को पढूंगी, तो आप लोग मेरे साथ ही बोलिए, ठीक है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। घर की प्यारी बगिया में मैंने पौधा एक लगाया, छोटे छोटे हाथों से जल देकर उसको हरा बनाया, पत्ते लाल हरे पीले फूटे, कलियां हंसकर खिलाई, फूल फूल से खुशबू निकली, सारे बगिया महकाई, छिटके बीज यहाँ वहाँ फिर मेरी मेहनत रंग लाई, वर्षा रानी के आते ही बगिया मेरी मुस्काई। आप लोग फिर से बोलिए मेरे साथ। घर की प्यारी बगिया में मैंने पौधा एक लगाया, छोटे छोटे हाथों से जल देकर उसको हरा बनाया, पत्ते लाल हरे पीले फूटे, कलियाँ हंसकर खिलाई, फूल फूल से खुशबू निकली, सारी बगिया महकाई, छिटके बीज यहाँ वहाँ फिर मेरी मेहनत रंग लाई, वर्षा रानी के आते ही बगिया मेरी मुस्काई। अब हम आप लोगों को इस लाइनों का मतलब समझाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, घर की प्यारी बगिया में मैंने पौधा एक लगाया, इस लाइनों का मतलब होता है बड़ी सुंदर बागाने हमें एक फूल गाछ लगे, छोटे छोटे हाथों से जल देकर उसको हरा बनाया। इस लाइनों का मतलब होता है छोटो छोटो हाथ दिए हमें जल दिए ताके सबुज बनिए, पत्ते लाल हरे पीले फूटे, कलियां हंसकर खिलाई। इस लाइनों का मतलब होता है पाता लाल सबुज हलूद फूटे, कलिया हंसकर खिलाई। इस लाइनों का मतलब होता है कोड़ीगुली हेसे हेसे फूटे उठेचे। फूल फूल से खुशबू निकली, सारे बगिया महकाई। इस लाइनों का मतलब होता है फूलेर थेके सुगंध बेरिए बागान भरे गेछे। छिटके बीज यहाँ वहाँ फिर मेरी मेहनत रंग लाई। इस लाइनों का मतलब होता है बीजगुलो छिटके एखाने ओखाने पड़ाय आमार परिश्रम सफल होयेछे। बरखा रानी के आते ही बगिया मेरी मुस्काई, बर्षा रानी आशाय आमार बागान हेसे उठेछे। तो आप लोग देखिए, हम आप लोगों को कुछ वर्डों का मतलब समझाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। बगिया का मतलब होता है बागान, पौधा का मतलब होता है फूल गाछ, छोटे छोटे हाथों का मतलब होता है छोटे छोटे हाथ, हरा का मतलब होता है सबुज, पत्ते इसका बंगाली में मतलब होता है पाता, लाल हरे लाल का मतलब होता है लाल, हरे के मतलब होता है सबुज, पीले का मतलब होता है हलूद, कलिया कलिया का मतलब होता है कुड़ी, फूलेर जे कुड़ी है ताके हिंदी ते कलिया बोले, खुशबू खुशबू का मतलब होता है सुगंध, महकाई महकाई माने भोरे उठा, छिटके छिटके माने अब तुम्हारा तो जानो ही छिटिए पड़ा, मेहनत मेहनत का मतलब होता है परिश्रम, वर्षा वर्षा का जो मतलब होता है वो है वर्षा। तो बच्चों, आप लोग इस कविता को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और कोई तकलीफ़ हो तो मुझे ज़रूर बताना। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।